हर साल होने वाले मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा जो नौवीं क्लास से बारहवीं के छात्रों को के लिए होती है जिसमें हर साल बारह हज़ार रुपये दिए जाते हैं छात्रवृत्ति के रूप में इसमें आवेदन किया था 2024 में जिन बच्चों ने उसकी परीक्षा हुई थी 30 जून 2024 को और उसका रिजल्ट 27 नवंबर 2024 को आ चुका है आइए मैं रिजल्ट दिखाता हूँ ये जैक के ऑफिशियल साइट पर ये सीएम स्कॉलरशिप रिजल्ट दिख रहा है और ये पचास पेज का पीडीएफ आपके सामने खुलता है जिसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने जारी किया है और ये चीफ़ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम ये 2024 जो, जो है उसके तहत जारी हुआ है और डेट आप देख सकते हैं 27 नवंबर no. 2024 ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं इस परीक्षा में इस वर्ष मेरे भी स्कूल के दो बच्चे प्रवीण कुमार महतो और आशीष कुमार महतो एक ने अनरिजर्वड में और एक ने बी सी वन कैटेगरी में जो है अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उन दोनों को पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ देखिए इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना और इसको झारखंड सरकार ने शुरू किया था और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है इसको कंडक्ट करती है इसमें लाभार्थी जो होते हैं वो नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास एलेवेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास मतलब नौ से लेकर के बारह तक जो, के जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं इसमें लाभ होता है हर वर्ष बारह हज़ार रुपये है, मिलते हैं और इसकी आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होती है और ऑफिशियल वेबसाइट जे ए सी डॉट जे झारखंड डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जा के होती है तो इस बार फिर जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको सूचित करूँगा या फिर आप समय समय पर ये जो जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप विजिट कर सकते हैं इस योजना का उद्देश्य है कि नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को हर साल बारह हज़ार रुपये देना और मेधावी और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता देना विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ना और आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना और समाज में शिक्षित लोगों की संख्या को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है शुरुआत में इसमें कुछ आ, कमी थी कमी नहीं बोलेंगे उसको कि कम ही वो मेरिट रखा गया था कि कम मार्क्स में ही बच्चे पास हो जाएं लेकिन जो नेशनल लेवल पर जो परीक्षाएं हो रही हैं उसको मद्देनज़र उसको ध्यान में रखते हुए इसको भी उसी कैटेगरी में उसी लेवल पे लाया गया है तो आवेदक जो हैं वो नवे क्लास के लिए एलेवंथ क्लास के लिए टेंथ क्लास के लिए और ट्वेल्थ क्लास के लिए पैसे मिलते हैं शर्त है कि उस बच्चे को झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए और सिक्सटी परसेंट मार्क्स भी होना चाहिए उनके पास इसके बाद है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए मतलब झारखंड के राज्य के सरकारी या फिर मॉडल या परियोजना या माइनॉरिटी या गैर सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन होना चाहिए ऐसे आवेदकों का तो इसमें जब बच्चे पास हो जाते हैं तो स्टेट लेवल पे 12000 की राशि जो है वो प्रदान की जाती है हर वर्ष आ, आठवीं पास के विद्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं अभिभावक की वार्षिक आय की कोई बाध्यता इसमें नहीं है थर्टी परसेंट जो सीट वो जो गर्ल चाइल्ड हैं मतलब जो बालिकाएं हैं उनके लिए आरक्षित होता है और जो जैक है उसके द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम सिक्सटी परसेंट अंक लाना जरूरी होता है और जितने खंड हैं इसमें दो खंड हैं तो दोनों खंडों में फोर्टी परसेंट जो है सामान्य बच्चों को लाना जरूरी है हर एक खंड में और जो एस सी एस टी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको थर्टी फाइव परसेंट लाना बिल्कुल ही अनिवार्य है तो हमारे स्कूल के ये दो बच्चे हैं ये पहला बच्चा है आशीष कुमार और ये जो है दूसरा प्रवीण कुमार यही दोनों बच्चे पास हुए हैं तो इन्हें हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं तो सीएम मेरिट स्कॉलरशिप का जो दोनों खंड है मतलब कौन कौन सी चीज़ की परीक्षा उन्हें देनी होगी चलिए आइए को भी देख लेते हैं जो पहला खंड है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसको हम लोग मैथ एम भी बोल सकते हैं इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या होगी नाइन्टी मतलब कि नब्बे और जो प्रश्नों के प्रकार होंगे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि बहुविकल्पी होंगे चार ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक का आपको जवाब देना है इसमें जो समयावधि होगी वो होगी 90 मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे और पाठ्यक्रम होगा कि रीजनिंग होगी तर्क शक्ति पर आधारित इंग्लिश प्रोफिशियंसी इंग्लिश पर आधारित प्रश्न होंगे फिर हिंदी की भी प्रोफिशियंसी को चेक किया जाएगा इसका डिटेल्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में यह है दूसरा सेक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं उसको लैक्स उसको प्लास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर सेट बोल सकते हैं इसमें प्रश्नों की संख्या नब्बे होगी और प्रश्नों के प्रकार इसमें भी एम होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसका भी समय 90 मिनट uh, ही होगा डेढ़ घंटे का और पाठ्यक्रम होगा इसमें कि साइंस सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से इसमें प्रश्न होंगे लेकिन दोनों ही होंगे सेवन और एट का जो क्लास का लेवल uh, का जो प्रश्न है वही इसमें रहेगा आइए अब इसके uh, इसमें जो संशोधन होकर के जो पत्र आया है झारखंड सरकार की तरफ से उसको भी एक झलक देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्रांक संख्या जो है 340 और दिनांक जो है सॉरी इक्कीस फरवरी 2022 को यह पत्र आया हुआ था मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के संबंध में इसमें आंशिक रूप से थोड़ा सा संशोधन किया गया है तो आप एक झलक देख लें कि खंड एक का जो विस्तृत रूप है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला वो है कि इसके अंतर्गत नब्बे प्रश्न होंगे जिसमें रीजनिंग इंग्लिश प्रोफिशियंसी हिंदी प्रोफिशियंसी से संबंधित प्रश्न होंगे विद्यार्थियों की बौद्धिक या तार्किक क्षमता को परखने के लिए रीजनिंग के अंतर्गत एनालॉजी क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल सीरीज पैटर्न परसेप्शन हिडन फिगर्स आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे जिसके लिए नब्बे मिनट का समय निर्धारित होगा इसके सभी प्रश्न मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे कठिनाई का स्तर जो है वो सेवंथ और एट्थ क्लास का होगा अब देखते हैं खंड दो सेक्शन दूसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षा स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इसके अंतर्गत विज्ञान सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के प्रश्न प्रति विषय जो है तीस प्रश्न होंगे चूँकि तीन टाइप के इसमें चीज़ें हैं तो तीस तिहानब्बे नब्बे प्रश्न होंगे कुल और इसके लिए नब्बे मिनट भी निर्धारित हैं पहले इसमें एक सौ बीस मिनट रखा गया था जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए कि कम समय में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें क्योंकि आने वाले जो नेशनल लेवल का जो टेस्ट वगैरह होता है ताकि बच्चा उस ढंग से वो तैयार हो जाए तो नब्बे मिनट का समय रहेगा सभी प्रश्न एम ही होंगे सभी प्रश्न भी यहाँ पे सेवन्थ और एट्थ क्लास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा और सबसे आखिर में आप इस पंक्ति को भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें प्रतिस्थापित की गई हैं कि उक्त छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी चयन के लिए झारखंड अधिविध्य परिषद यानी कि जैक झारखंड एकेडमी काउंसिल द्वारा संचालित परीक्षा में न्यूनतम 60 परसेंट मार्क्स जो है वो लाना जरूरी होगा और सभी खंडों में दो खंड है तो दोनों में कम से कम फोर्टी परसेंट लाना जरूरी होगा सामान्य परीक्षार्थी परीक्षार्थियों के लिए या फिर अभ्यर्थियों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए और एस या एस कैटेगरी के, के जो बच्चे हैं उनको पाँच प्रतिशत की छूट दी गई है थर्टी फाइव परसेंट वो लाएंगे तो फिर पास हो सकते हैं दोनों खंडों में अलग अलग तो इससे कम यदि अंक लाए जाते हैं तो फिर चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और यह अंक कुल पूर्णांक के आधार पर शर्त के साथ प्रभावी रहेगा तो आप ये भी जान गए कि कैसे इसमें फॉर्म फिलअप करें तो अब फाइनल सत्ताईस तारीख सत्ताईस नवंबर 2024 को इसका रिजल्ट आ गया है 2024 में हुई परीक्षा का तो 2025 में होने वाली परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप होगा तो आप अपडेट रहें जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के समय समय पर देखते रहें और यदि मुझे पता चलता है नोटिफिकेशन के बारे में कि आने वाली परीक्षा के लिए फॉर्म कब भरा जाएगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें धन्यवाद